तो टूटे हुए पैरों के साथ सड़क पर पड़ी इस लोमड़ी के साथ आखिर इन तेरू के समूह ने ऐसा क्या किया कि ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई, जिसे देखने के बाद आप भी पूरी तरह से दंग रह जाएंगे और आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर ये छोटा भाई रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमने इस चैनल पर 300 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो चलिए दोस्तों अगर आपने लाइक कर दिया है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि लोमड़ी को जंगल का सबसे चालाक जानवर माना जाता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे तेरू की परछाई के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोमड़ी इतनी ज्यादा चालाक होती है कि अपने खाने का इंतजाम करने के लिए दूसरे जानवरों पर आश्रित हो जाती है और इसीलिए तेरू के साथ ही अक्सर घूमा करती है। जब कोई तेर किसी जानवर का शिकार करता है और उन तेरू के खाने के बाद जब जो खाना बच जाता है उसे लोमड़ी आसानी से घटक लेती है और इसका पेट भर जाता है। लेकिन दोस्तों ये लोमड़ी जितनी ज्यादा चालाक होती है कभी कभार ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी हो जाती है और इसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखने के बाद लग जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लकड़बा गाय इस लोमड़ी के परिवार से एक बच्चे को उठाकर ले जाना चाहता था, यानी खाने के लिए उसे मारना चाहता था। तभी अचानक इस लोमड़ी के परिवार में अचानक यूनिटी आ जाती है और सभी एकजुट होकर इस लकड़बग्घे पर अचानक टूट पड़ते हैं, जिससे लकड़बग्घा पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों आप ये बात तो भली भांति जानते ही होंगे कि लकड़बग्घा एक बहुत ही जिद्दी स्वभाव का जानवर होता है जो तब तक हार नहीं मानता जब तक वो सामने वाले को हरा नहीं दे, और ऐसा होता भी है यहाँ पर। दरअसल दोस्तों जब ये लोमड़ी इस लकड़बग्घे पर भारी पड़ने लगती है तो तभी लकड़बग्घा आवाज लगा देता है। उसके समूह के अन्य लकड़बग्घे भी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आने लगते हैं, जिसे देखकर लोमड़ियों की हालत खराब हो जाती है कि अब क्या होने वाला है। इसके बावजूद भी ये लोमड़ी हार नहीं मानती और अपने बच्चे को बचाने के लिए काफी देर तक प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन लकड़बग्घों की लगातार तादाद बढ़ता देख वो हार मान लेते हैं और उनका एक बच्चा मारा जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा हर बार नहीं होता कि ये चालाक जानवर लोमड़ी हार मान जाए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोमड़ी अपने आकार से कई गुना ज्यादा बड़े इम्पाला को शिकार बना रही है, जिसे देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लेकिन दोस्तों अब देखने वाले उस शानदार दृश्य को जब सड़क पर पड़ी टूटे हुए पैरों के साथ इस लोमड़ी के साथ आखिर तेरू ने क्या किया। तो दोस्तों साल 2015 में ग्राहम डायर नामक एक साउथ अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने इस दृश्य को सेंट्रल कराहारी गेम रिजर्व से उस वक्त अचानक कैद किया जब वो जंगल में सफारी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सड़क पर एक लोमड़ी पड़ी हुई है। तभी उन्होंने कुछ देर बाद पता लगाया कि इस लोमड़ी का पैर टूट चुका है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका उनको अंदाजा कभी भी नहीं था, क्योंकि पास ही में एक नदी बह रही थी जहां पर कुछ शेरों का समूह पानी पी रहा था। वो शेर पानी पीने के बाद उसी सड़क से आ रहे थे जिस सड़क पर वो लोमड़ी पड़ी हुई थी। इस शानदार दृश्य को कैमरे में कैद करने के लिए ग्राहम डायर शांति से बैठ गए और शेरों के आने का इंतजार करने लगे। जब शेर उस लोमड़ी के करीब आए तो उन्हें लगा कि ये शेर उस लोमड़ी को मार देंगे, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसे देख ग्राहम डायर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल दोस्तों शेरों के समूह को लीड कर रही एक तेरनी का सामना जब इस लोमड़ी से होता है तो ग्राहम डायर को ऐसा लगता है कि अब शायद लोमड़ी का काम तमाम हो जाएगा और तेरनी शायद ऐसा ही करना भी चाहती थी। लेकिन जैसे ही तेरनी लोमड़ी को खाने के लिए आगे बढ़ती है तो लोमड़ी अचानक उस पर गुर्राने लगती है, जिस कारण तेरनी अचानक रुक जाती है और लोमड़ी को घूरने लगती है, जिसे पास ही में खड़ा एक तेर बहुत ही बारीकी से देख रहा था, जिसके बाद वो भी इस लोमड़ी के पास आता है और उसे देखने लगता है। धीरे धीरे तेरों का पूरा समूह इस लोमड़ी के पास आता है और तब इसे ऐसे देख रहे थे मानो ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ जानवर हो। धीरे धीरे पूरे शेरों का समूह उस लोमड़ी के आसपास इकट्ठा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये शेर इस लोमड़ी से थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन शेरनी इस लोमड़ी के पास ही में बैठ जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों शेर अचानक उठता है और जैसे ही लोमड़ी पर हमला करने के लिए आता है तो ये अचानक ही शेरनी इस लोमड़ी को बचाने के लिए अपने शेर पर टूट पड़ती है, जिस कारण शेर इस लोमड़ी को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब इस शेरनी इस लोमड़ी को काफी देर तक प्रोटेक्ट करती रहती है और थोड़ी देर के बाद ही ये शेरों का पूरा समूह इस लोमड़ी को बिना मारे ही वहां से दूर चला जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा जंगल के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब शेरों का पूरा समूह अपने सामने पड़े किसी जानवर को जिंदा छोड़कर चला गया हो। दोस्तों इस बात से ग्राहम डायर पूरी तरह से परेशान और हैरान थे कि इस लोमड़ी के अंदर आखिर ऐसी कौन सी खासियत है जिस वजह से शेर इसे नहीं मार रहे थे। इसी बात को जानने के लिए ग्राहम डायर इस लोमड़ी पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानते थे कि जंगल में बिना पैरों के किसी जानवर का जिंदा रहना
लगता है बिल्कुल असंभव है और किसी न किसी जानवर का शिकार होना लगभग तय ही था। लेकिन दोस्तों इस लोमड़ी के साथ ऐसा नहीं होता, ये तड़क से हटकर घास के मैदानों में चली जाती है और वहां पर सो जाती है, जिसके बाद वो भूखे प्यासे कई दिनों तक रहती है और अंततः इसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये बात पूरी दुनिया को चौंका गई कि आखिर इन तीरों ने इस लोमड़ी को आखिर क्यों नहीं मारा। पर दोस्तों आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जंगल की दुनिया से जुड़ी हुई जानवरों की ऐसी शानदार शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप अपने घर पर बैठे ही जंगल की दुनिया और जानवरों की वीडियोज को आसानी से मोबाइल पर ही देख सकते हैं, जो शायद आपको बहुत ज्यादा आनंद दे।